चलिए हम लोग क्लॉक समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो एक देखिए, इसमें क्वेश्चन हमसे मिरर से पूछा जाता है, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। यानी पहला कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर समझाएंगे, जिसे हम दर्पण कहते हैं। दूसरा जो हम समझेंगे यहाँ पर वो कोण या कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, एंगल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो तीसरा हम लोग देखेंगे वो टाइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और एक अगर हम देखें तो एरर से रिलेटेड भी अब क्वेश्चन आने लगा है। तो हमें चार बातें इसमें सीखनी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है, और अगर घड़ी में एरर क्रिएट कर दिया जाता है जिससे 2 मिनट पीछे है, फिर वो कहते हैं कि कब सही समय दिखाएगी, इस तरीके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर। तो हमें बताया है कि दो तरीके का ही मिरर या दर्पण होता है। एक होता है क्षैतिज, या हम पहले ऊर्ध्वाधर पढ़ लेते हैं, ऊर्ध्वाधर। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्टिकल। और एक होता है क्षैतिज, जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर मिरर क्या है, जिसमें जिस आईने में आप खुद को डेली देख कर आते हैं, देखते वो ऐसे रखा होता है। और जब आपका विवाह होगा तब नीचे भी देखेंगे तो आप दिखेंगे, अगर बढ़िया मतलब किया, नौकरी वोकरी ठीक ठाक लग गई तो। कहने का मतलब ये है कि जो इस तरीके से रखा होगा वो क्या कहलाएगा, हॉरिजेंट वर्टिकल, और जो इस तरीके से रखा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्षेत्र। और इसी को हम वाटर इमेज भी कहते हैं, मतलब जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर इमेज, ठीक है। और जब कभी भी हमसे वर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम ट्रिक वेस ही यहाँ पर सीखेंगे। जैसे वो कहते हैं कि अगर किसी घड़ी में, एक हम यहाँ पर प्रश्न आपको बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट था वर्टिकल मिरर, यहाँ पर डाल लीजिएंगे। दो तरीके का होता है, समझ में है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजेंटल क्या है, किसी कोई डाउट यहाँ तक? अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्या डालेंगे, वर्टिकल मिरर। इसमें देखिए, फिगर इगर बनाने के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्ट आप समझ। कभी भी जैसे वो प्रश्न ऐसे कहते हैं कि कोई घड़ी है, उसमें सपोज करो उन्होंने कहा कि 4:30 बजा है, घड़ी में समय कितना दिखाया जा रहा है, 4:50 का, या हम कहें 4:30 का, 4:30 बजा। तो वो कहते हैं कि अगर इसे हम वर्टिकल मिरर में देखें तो टाइम हमें क्या दिखाई देगा। तो डायरेक्टली आपको समझना है कि अगर दो बातें, अगर यहां पर जो टाइम क्लॉक में दिखाया जा रहा है वो 12 से कम है, किससे कम है, 12 बजे से कम, तो आप 11:60 से घटाएंगे उसे। और अगर वो 12 से ऊपर का दिखा रहा है, जैसे 14 बजा रहा है, 15 बजा रहा है, 16 बजा रहा है, क्योंकि आपको पता कई क्लॉक होती हैं जिनमें 12 से अबव का है, या 12:10, 12:20 ऐसे दिखा रहा है टाइम, तो हम 23:60 से घटाते हैं। 12 से प्लस का टाइम दिया होगा तो हम किससे घटाएंगे, 23:60 से। तो समझ आया, जैसे कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएं तो आपको समझ में आएगा। अब यही पूछा गया होता कि घड़ी में 4:30 बजा है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में टाइम क्या होगा, या वर्टिकल मिरर में टाइम क्या होगा। तो हमें पता है ये टाइम 12 बजे से क्या है, कम। तो हमें सही निकालने, हमें उसके निकालने के लिए 11:60 से हम माइनस कर देंगे 4:30, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 यहाँ पर, यानी उसमें हमें टाइम कितना दिखेगा, 7:30 का दिखेगा। तो समझ में आया पहली बार कि वर्टिकल मिरर में टाइम निकालने के लिए हम 11:60 या 23:60 से माइनस कर देंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताइए, नहीं डर, ठीक है। तो आप इसे लिख लें, फिर हम आगे बताएं, इसकी कुछ प्रैक्टिस करें। हट गए, नहीं तुम बोल सकते हो, इतना शर्मा क्यों रहे? हम लोग कोई धारा 124A की बातें थोड़ी ना बोल रहे हैं जो रिकॉर्ड हो जाएंगी और गलत है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसके बाद ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल, ठीक। ट्रिक के फॉर्म में केवल इतना याद रखना है कि हम किससे माइनस करेंगे, 11:60 या
अब देखिए थोड़ा दूसरा, अभी हम मिरर के ही क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम मिरर को हाईलाइट करके समझा दें। हम संक्षेप में अगर रिकॉल कराएं तो हमने क्या क्या आपको अभी तक बताया है, टू टाइप्स के आपको मिरर मिलेंगे, एक कौन सा बताया हमने वर्टिकल, और एक कौन सा बताया आपको हॉरिजेंटल। वर्टिकल क्या होगा, जो इस तरीके से खड़ा होता है, और हॉरिजेंटल क्या होगा ये, और इसी वाले को हमने क्या बोला है कि हम क्या कह देते हैं वाटर इमेज। यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलिए इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है कि आपको जो टाइम दिया होगा आप 1160 या 2360 से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब इसी तरीके से याद रखना, अगर हॉरिजेंटल में पूछेगा तो हम 1790 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे 1790 से। जैसे अगर ये प्रश्न यही दिया गया होता कि अगर किसी घड़ी में टाइम जो है वो 4:30 का दिखाया गया है, कितना दिखाया गया 4:30 का, और पूछा जाए कि क्षैतिज दर्पण में वो समय क्या होगा, तो हमारा आंसर होता 1790 माइनस हम कितना कर देते 30, 4 यहां से माइनस करते, और ये माइनस करने पर यहां कितना 60, यहां तो 60 बचेगा, और यहां कितना हम देखेंगे तो मिलेगा हमें, ठीक। और आपको पता है इसे हम 1:60 ऐसे लिख सकते थे, और यह हम कहें इसे 2 बजे, कोई प्रॉब्लम, जो ऑप्शन दिया जाएगा ये दिया जाएगा ये दिया जाएगा वही आप अटेम्प्ट करें। तो आपको याद रखना है कि हॉरिजेंटल मिरर या वाटर इमेज के फॉर्म में हम 1790 से सेपरेट करते हैं। तो दो ट्रिक अगर याद रखें तो सभी क्वेश्चंस किसके हो जाएंगे, वाटर इमेज के और या हम कहें वर्टिकल मिरर या हॉरिजेंटल मिरर के। इतना बात समझ में। तो हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में कर लेते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन बने। जिसे क्वेश्चन मान लीजिए 6:20 टाइम दिया है, 6:20 दिया है, 7:40 या 8:10 दिया है, 12:20 दे दिया है, या 14:35 दे दिया है, या हम कहें 11:15 दे दिया है, और इनका आपको दोनों निकालना है, हॉरिजेंटल मिरर में टाइम क्या होगा और किसमें वर्टिकल मिरर में टाइम क्या होगा, सभी लोग निकालिए। हॉरिजेंटल का आप टाइम कैसे करके लिखेंगे, एच के सामने, और वर्टिकल का किसके सामने लिखेंगे, बी के सामने, ऐसे करके सबके फाइंड आउट करिए। देखिए हम बताते हैं, हमें बताया है कि यहां पर हम किससे माइनस करेंगे 1790 से, 1790 से अगर हम यहां 20 माइनस कर देते तो यहां से ध्यान से समझिए कि यहां तो 70 बचता और यहां 6 माइनस कर देते तो कितना, लेकिन टाइम अब हम कैसे लिखा गए, जो 60 से अबव मतलब इसमें से अगर 60 से ऊपर कुछ आता है तो वही टाइम मेंशन किया जाएगा, यानी यहां का आंसर 1110 होगा, क्योंकि मिनट केवल 60 ही तो दिखाता है,
अगर वो 60 से अबव जो आएगा वही टाइम हम लेंगे या 60 माइनस कर देंगे उसमें, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा 11 10। इसी तरीके से यहाँ हमें किससे माइनस करना था, 11 60 से, और 11 60 से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 40 बचेगा, और यहाँ 6 माइनस करेंगे तो यानी कितना आएगा 5 40। तो हमें पता है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम क्लॉक में दिखता है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? इसी तरीके से अगर हम इसमें देखेंगे फिर किससे माइनस करेंगे, 1790 से करेंगे तो हम कहेंगे कि मिनट में तो 50 बचेगा और यहाँ 10 बचेगा, ये टाइम क्लॉक में दिखता है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा 10 50। यहाँ 1160 से माइनस करेंगे तो हम देखेंगे मिनट में 20 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ 4 20 हो जाएगा। समझ आ रही बात है नहीं? किसी कोई दिक्कत तो ऐसे कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्लॉक का है जो मैंने आपको समझाया, जिसे कहते हैं दर्पण या मिरर में जब टाइम पूछा जाता है। हाँ वहाँ 11 10 होगा। कारण क्या है, क्योंकि क्लॉक में आपको पता है 60 तक ही मिनट, जैसे ये मिनट वाली सुई मैक्सिमम टाइम कितना दिखाती है 60, तो जो आपसे इस ट्रिक के माध्यम से 60 से ऊपर आया वही टाइम हम लेंगे और उसमें 60 क्या कर देंगे, हमेशा माइनस कर देंगे। ये ट्रिक्स हैं। नहीं, ऐड नहीं किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, ठीक है? तो याद रखेंगे, समझ आया इतना? ठीक, अब याद रखेंगे, मैंने बताया वाटर इमेज है। कभी भी ऐसे पूछें, जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक घड़ी में 9:35 का समय हुआ है, तो उसका जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, क्या है? क्लॉक कितना दिखा रही 9:35, तो आपसे वाटर इमेज में टाइम पूछ रहा है, वाटर इमेज में क्या टाइम होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है? अब ध्यान देंगे, हमने क्या बताया था कि वाटर इमेज में वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हॉरिजेंटल में लगाते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसे 1790 से क्या कर देंगे माइनस, यहाँ 9:35 माइनस हो जाएगा, यहाँ अगर हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा 55। किसी कोई प्रॉब्लम? और यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आंसर हमारा होगा 855। इन्हें लोग फिगर बना बना के लगाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इससे लगाएगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? तो रफ कर दें इसे। अब आप डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कोण से संबंधित प्रश्न या कोण की अवधारणा, एंगल बोलते हैं, एंगल 23:60 से माइनस कर दो, मैंने बताया 12 से प्लस का होता है, आगे बताएं, ठीक है? अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, पहले यहां से कुछ फैक्चुअल टाइप या वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछेगा। सभी ने क्लॉक देखी है ना, समय तो कभी नहीं देखा, सही है? ऐसी वाली देखी, हम अगर स्टैंडर्ड टाइम कहें तो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना 9, और दो ही सुई स्टैंडर्ड में मानी जाती हैं। कौन सी? एक आपने देखी होगी, कहा जाता है कि घंटा सुई है ना, वो वाला भाव मतलब, ठीक है? इसे हम क्या कह सकते हैं, हैंड ऑवर्स बोल सकते हैं, एचएच, और एक मिनट या एमएच बोलते हैं, या एचएम बोलते हैं, मिनट सुई हम बोलते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, मिनट सुई। कैसे पहचानते हैं मिनट सुई क्या होती है, बड़ी, और घंटा सुई क्या होती है, छोटी, ठीक? ये आपको समझना। तो दो बातें समझने, एक हम बहुत बेसिक बात पूछते हैं आपसे, आप बताइएगा कि मिनट की जो सुई है वो यहाँ से चलना शुरू करे और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ आ जाए तो वो कितने मिनट का समय दिखाती है? हाँ 60 मिनट का समय। अब ध्यान क्या रखना है कि 60 मिनट जो है ये किसे दिखा रहा है? अगर हम इस एंगल को देखें तो साइकिल या सर्कल का एंगल कितना माना जाता है, 360। तो एक मिनट में अगर हम निकालना चाहें तो हम कहेंगे फिर कितना आ जाएगा, तो एक मिनट में वो कितने डिग्री कोण बनाएगा। ये पहला बात पूछी जाती है कि मिनट की सुई एक मिनट में कितना कोण बनाती है, तो हम कितना बताएंगे, 6 डिग्री। क्यों बनाती, कैसे बनाती, वो मैंने बताया, इसे नोट करते जाइए।
समझ में आ रहा है? अब ऐसे फिर सोचिए, अगर घंटे वाली सुई यहां से चलना शुरू करे और यहां यहां आते आते इतना, तो कितना समय दिखा देगी? 12 घंटे का समय दिखाएगी। 12 घंटे में वो कितना चल रही है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360 बटे 12, तो कितना हो गया? तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। किसी कोई प्रॉब्लम? और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री अगर बनाएगी, तो 1 मिनट में बनाएगी बराबर 30 बटे 60, यानी 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, लिख लो। आगे बताएं, माइक बची गई? अरे माइक गिर गई तो आवाज नहीं आ रही। अब इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां उनकी इमेज और ज्यादा आपकी क्लियर होगी। सबसे पहले कि टाइम दे देते हैं और उस टाइम में आपसे एंगल पूछा जाता है, किसके किसके बिटवीन में? एंड आवर और मिनट आवर के बीच, यानी घंटा सुई और मिनट सुई के बीच का कोण पूछा जाता है। जैसे वो कहें कि एक घड़ी में 4:30 हुआ है या 2:30 हुआ है, तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? हाँ, समझ रहे? तो इसके लिए चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि मिनट वाली कितना सुई, घंटे वाली कितना सुई। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, तो हम एक इसके लिए फार्मूला याद रखेंगे। जब एंगल बिटवीन में पूछा जाए तो हम लगाएंगे 30h-11/2m, ये थीटा एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है, समझ आ रही बात? नहीं, ठीक है, तो आप इसे लिखते जाइए। ये पूरा पोस्टमार्टम है उसका, मतलब आपके बेस के अलावा फिर वो कोई क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे। जितनी बातें बता रहे हैं उतना अगर आप समझ गए, बस फर्क ये है कि आप समझ जाएं। उस गहराई तक पहुंच जाएं जिस गहराई तक हम ले जाना चाहेंगे। बस दूसरा आप समझें वो क्या कहेंगे। कहेंगे कि जैसे कोई क्लॉक है और इस क्लॉक में कुछ पर्टिकुलर टाइम दे देंगे, ध्यान से समझिए, अभी बताएंगे आपको, क्वेश्चंस कराएंगे इनके। पर्टिकुलर टाइम, जैसे सपोज करो उन्होंने कहा 3:10 हुआ है, फिर वो कहते हैं कि घंटे वाली सुई 75 डिग्री का कोण बढ़ गई है आगे, तो अब घड़ी में टाइम कितना होगा? मतलब एंगल के फॉर्म में वो क्या चलाएंगे? सुई को बताएंगे और फिर आपसे टाइम पूछेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर टाइम एक गिवन होगा और फिर एंगल के रूप में मूव करेगी, अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे, और फिर बाद में आपसे पर्टिकुलर टाइम ही क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया है 2 ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक टाइम गिवन होगा एंगल पूछा जाएगा, और एक एंगल गिवन होगा और वहां पर टाइम आपसे पर्टिकुलर पूछा जाएगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस इनकी क्वेश्चनों, ठीक है। एक क्वेश्चन पहला लैंग्वेज बेस हम लिखा रहे हैं जिससे आप बाद में उनकी 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। पहला लिखे, एक घड़ी में 1:25 का समय हुआ है, एक घड़ी में 1:25 का समय हुआ है, 1:25 का समय हुआ है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा?
अब देखिए मैंने क्या आपको बताया कि थीटा इक्वल टू आपको याद रखना है 30H माइनस 11 बाई 2 m, यही तो बताया। यहाँ H का मतलब जो घंटे में टाइम गिवन हो, जैसे यहाँ 1 बजा है तो H की वैल्यू क्या हो गई, 1:25 में ये H को दिखाता है और ये m की वैल्यू दिखाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस 11 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 25। इसे कैलकुलेट कर देंगे तो हम कहेंगे 30 माइनस इसकी मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, अच्छा 180 नहीं आना चाहिए, 180 से ऊपर आ जाएगा तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, बाकी कुछ भी आए वो सब चलेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे ध्यान से समझिए, इनमें कुछ की प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छा क्लियर हो। जैसे ये टाइम खूब पूछा गया, यही हम बार बार क्यों ले रहे, 2:35 कई बार पूछा गया, या हम कहें 6:20 पूछा गया, या 5:34 पूछा गया, 8:20 पूछा गया, सब कर लेंगे क्या। एक कर लीजिए पहला, देखिए हम लिखेंगे ये थीटा इक्वल टू 30H माइनस 11 बाई 2 m, 30 इंटू 4 माइनस 11 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 30। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे तो कितना यहां आ जाएगा 15, यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस, इन्हें करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11:55, और फिर इधर अगर इसे माइनस कर लें तो कितना बचेगा, माइनस से मतलब नहीं है, हमें एंगल मिल गया कितना है 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना सभी को, कर लेंगे बाकी ये होमवर्क में, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन हम लैंग्वेज बेस्ड दिखा रहे हैं, फिर आपको इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन देते हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए एक घड़ी में 3:10 का समय हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया हाल में इसीलिए बोल रहे हैं, 3:10 का समय हुआ है, इसके पश्चात घंटे की सुई ने 75 डिग्री की दूरी तय की है, इसके पश्चात घंटे की सुई ने 75 डिग्री की दूरी तय की है। ठीक है, तो अब घड़ी में समय क्या होगा, तो अब घड़ी में समय क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान से समझिए, क्लॉक में ऑलरेडी टाइम कितना दिखाया जा रहा था 3। आप बताइए हमें घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री, यही तो है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए अच्छा 1 डिग्री में कितना मिनट वो चलेगी, 2 मिनट, तो 75 में कितना चलेगी, 150 मिनट। सिंपल तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि 75 डिग्री चलाने के लिए हमें 150 मिनट की दूरी, या आप ऐसे ना निकाल पाए तो यहां से निकालिए, 1 डिग्री में कितना चलेगी वो 2 मिनट, और यहाँ 75 डिग्री आपको चलाना है तो 2×75 बराबर कितना हुआ। अब ये टाइम जोड़ देंगे किसमें, 3:10 में, 150 मिनट का मतलब क्या है, 60 मिनट होता है एक, तो कितने घंटे हो गया, 2 घंटे 30 मिनट, 3:10 में 2 घंटे 30 मिनट आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5:40। तो आंसर क्या हो गया आपका 5:40। कुछ समझ में ना आए तो पूछते रहिएगा।
बताएं। अच्छा, मिनट की सुई को चला के वो कभी नहीं पूछते इसमें क्वेश्चन, घंटे की सुई को ही चलाते हैं। कितनी बार तो हमें गिराओगे, बता रहे हम इतना गिरना झुकना नहीं चाहते, यही तो जिद है। अब रिचा सोच रही कि हम पर फ्री फंड का आरोप लगा रहे हैं। इतनी देर से तुम्हें दिमाग आ जाना चाहिए था, ये इसमें लगा देते तो फिर काहे दिक्कत होती। टाइम जैसे अब कैसे वो दे दें, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन निमेरी कैसे बनाएं और आपसे पूछें। सपोज करो उन्होंने दिया है ना टाइम 9:40 किसी की घड़ी में दिखा रहा, और वो कह रहे हैं कि 40 डिग्री घंटे की सुई चल रही है, और आप पूछ रहे हैं कि क्लॉक में टाइम क्या होगा, समझ रहे? तो आप क्या कहेंगे कि एक डिग्री में वो 2 मिनट चलता है, तो 40 डिग्री में वो 80 चलेगा, और 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट, तो 9:40 का मत में हम कितना जोड़ देंगे, 1:20 जोड़ेंगे, और 1:20 जोड़ेंगे तो 11 बजा देंगे। नहीं समझ पाए? तो आप कितना बजेगा क्लॉक में, 11 बजा, समझ गए? नहीं भाई, यहाँ 10:60 आएगा, 10:60 का मतलब 40, 11 नहीं हो जाएगा? उधर उज्जवल समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, बताते जाइएगा। अगला बताएं। तो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट आप एंगल में क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इन्हें कर लें तो हम आगे बढ़ जाएं। कर लेंगे सब। चलिए, अब आप डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जिसमें टाइम पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है? और यहां पर आप कुछ चीजें पहले बेसिक सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम तो टाइम के लिए फार्मूला पहले याद रखेंगे। यहां क्या आ जाएगा, 30 H प्लस माइनस थीटा 2/11। टाइम इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, 30 H प्लस माइनस थीटा, और क्या लिख देंगे, 2/11, ठीक है? तो एक ये बेसिक याद रखें। दूसरा याद रखना है कि इसमें कुछ टर्म यूज होंगे, जैसे परपेंडिकुलर यूज होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि जब दोनों सुई कितने डिग्री पर हो, अब फिर वो लोग कहेंगे कि कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस को हम कहते हैं संपाती। क्या कह देते हैं इसे, क्या कह देते हैं, लंबवत संपाती। दो स्थितियों में होंगी, एक 0 डिग्री पर भी होंगी और एक 180। यहां एंगल नहीं देंगे इन परिस्थितियों में, तब हम क्या मानेंगे, वहां 0 डिग्री मानेंगे और क्या मानेंगे, 180 डिग्री, ठीक है? फिर वो कभी कभी कहेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी रेखा, और सीधी रेखा के केसेस में भी हम क्या करेंगे, 180 डिग्री। संपाती मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? तो तीन टर्म यहां यूज हूं। वो पूछते हैं कि कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी, और कब कब, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है? अच्छा, 180 डिग्री इसलिए ले लेते हैं, आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन को भी संपाती के फॉर्म में हम मान लेते हैं, कंसीडर। सामान्य केसेस में हम 0 ही लेंगे, लेकिन अभी जब हम आपको एंगल रिपीटेशन पढ़ाएंगे, ऐसे केसेस में नहीं। एंगल जैसे अभी हम बताएंगे कि कब सीधी रेखा में होंगे, तो सीधी रेखा में क्या है, मान लीजिए ऐसे एक यहां पर मिनट हैंड है और यहाँ पर क्या है, आवर हैंड। उन केसेस में भी ये किस में है, स्ट्रेट लाइन में, और इसके ऊपर है तब भी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो वहां पर ये यूज होगा कॉन्सेप्ट, जब वो पूछेंगे। जैसे हम अभी आपको बताएंगे कि 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा, और बाकी सभी एंगल कितनी बार बनते, 22 बार बनते,
सही है ठीक। तो क्यों 0 डिग्री और 180 डिग्री 11 11 बार बनेंगे? वो केवल 11 बार बनते। कारण क्या होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री बनता है 1 बार 65 सही 5/11 मिनट और बाकी बनते हैं आप 32 सही 8/11 मिनट। अरे अभी समझ में आएगा ठीक है बीच में। तो इसलिए वहां पर हम एक कोइंसिडेंस का कॉन्सेप्ट किसमें यूज कर लेते हैं, 180 डिग्री। यहां तुम्हें क्वेश्चन निकालना है, आप क्वेश्चन पर फोकस करिए ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है कि टाइम के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, 30h प्लस माइनस थीटा अपॉन 2 और परपेंडिकुलर का मीन क्या हम लेंगे 90। कोइंसिडेंस का मतलब सामान्य में हम 0 डिग्री ही लेंगे लेकिन उस केस में हम क्या मानेंगे 180, और स्ट्रेट लाइन का क्या मानेंगे हम 180 ठीक। तो सीधी रेखा। अब यहां से आगे समझना शुरू करें प्रश्न कैसे बनता है। वो कहते हैं कि मान लीजिए 9 और 10 बजे के बीच, कितने के बजे के बीच कह रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होंगी, मतलब कब परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे पूछते हैं। तो हमारे लिए अब टाइम हमें निकालना है। तो टाइम के लिए फार्मूला हमने क्या बताया आपको, 30h प्लस माइनस थीटा और क्या बताया 2/11। अब यहां से h की वैल्यू हम हमेशा मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मिनिमम कितना यहां है 9, और थीटा परपेंडिकुलर कह रहा तो हम कितना ले लेंगे, समझ आए। अब दोनों वैल्यू मिल गई हैं तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे एक हम कैलकुलेट कर देते हैं, यहां अगर हम वैल्यू टाइम के बेसिस पर रखते तो आप कहते 30 × 9 प्लस माइनस और थीटा कितना है 90 ब्रैकेट 2/11। अब इसे दो फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा, एक बार प्लस कंसीडर करके एक बार माइनस। प्लस कंसीडर करके करेंगे तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, 270 और प्लस 90 इंटू क्या कर देंगे, और यहां 270 माइनस 90 इंटू क्या कर देंगे, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 360 और गुड़े कितना मिल जाएगा 2/11। एक ये हमारा एंगल आ जाएगा और ये किसे माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 180 × 2/11। तो अब इसे निकाल लीजिए, कैलकुलेट करिए आगे। हल कर लेंगे, इसे सॉल्व किया किसी ने, कितना आया 720/11। अब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 11 से हम डिवाइड करें तो 6 बार चला जाएगा, जाएगा और फिर कितना बचेगा 60 आएगा और 60 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 65 सही 5/11 ठीक। एक तो ये आया, दूसरा टाइम कितना आएगा अगर हम यहां से करेंगे। अब देखिए ये तो 10 बजे के बाद का समय निकल गया तो हम इसे मानेंगे नहीं, एक ही टाइम होगा जो 9 और 10 के बीच में आएगा। इसे मैं हमने जब सॉल्व किया तो हमें कितना मिला 360/11। सॉल्व करोगे यही में आएगा ना ये बात, अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हाँ यहां से डिवाइड करेंगे 11 3 33 जाएगा, कितना 3 बचेगा 11 2 22 और 22 अगर हमने माइनस किया तो कितना बचेगा 8 8/11। तो इसका मतलब 9 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर ये सुइयां क्या हो जाएंगी नंबर, ये ऑप्शन वहां शो करेगा और वो ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये ऑप्शन क्यों नहीं सही करेंगे, ये बात समझ में आ रही, क्योंकि वो 10 बजे के बाद हो जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है 9 और 10 o'clock के बिटवीन में, यानी 9 और 10 के बीच में पूछ रहा। तो सबको समझ आई, इसकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए रफ करें हम इसे, लिखिए 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी, कोइंसिडेंस के फॉर्म में पूछा दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होंगी। बड़े सिंपल होते हैं अगर आप इसे कैलकुलेशन करने, किसके बीच पूछ रहा है 6 और 7 के बीच,
देखिए मैं फिर आपको बता दूं, संपाति या कॉन्सिडेंस का मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या बताया हमने, 2/11। यहां वैल्यू पुट कर दें, 13/6 प्लस माइनस थीटा कितना ले लेंगे, 0, और क्या आ जाएगा। अब प्लस माइनस से फर्क ही नहीं पड़ना, यहां कैलकुलेट करेंगे तो 180 इंटू 2/11 यानी 360 कितना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा 32/8। इतने मिनट बाद क्या हो जाएंगे, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से सीधी रेखा का एक क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगी, मींस इन स्ट्रेट लाइन पूछ रहा, घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा का मतलब थीटा कितना ले लेंगे, 180 डिग्री। घड़ी की दोनों सुइयां कभी एक सीधी रेखा में, तो यहां पर वैल्यू पुट अप कर लीजिए, एच की वैल्यू हम ले लेंगे 4, थीटा की वैल्यू ले लेंगे 180, टाइम इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, 30h प्लस माइनस थीटा अपान 2/11। सॉल्व कर लीजिए, बताएं, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछा करते हैं कि कितनी बार समय दिखाएंगे या एंगल पर्टिकुलर, तो ध्यान रखेंगे एक चीज, यहां पर दो फैक्ट जो याद रखता है वो सभी क्वेश्चंस कर ले जाता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री जो होता है वो कितने समय के बाद बनता है, तो 65/5/11 मिनट के बाद बनता है, ठीक है। दूसरी बात समझ, बाकी जितने रिमेनिंग एंगल हैं, सभी रिमेनिंग एंगल वो पर्टिकुलर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, या हम कहें 32/8/11 मिनट के अंतराल पर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे कि ये 12 घंटे में केवल 11 बार बनेंगे, और ये अगर हम देखेंगे तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा, बात समझे। उन्हों को पूछते केवल 90 डिग्री और 0 और 180 डिग्री ही हैं, अगर कभी वो पूछते 60-75 कुछ भी, तो ये कॉन्सेप्ट से डील होंगे, क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा है, रिमेनिंग एंगल कितने समय अंतराल के बाद बन जाते हैं, और ये फैक्चुअल ही पूछे हैं कुछ टाइम, दोनों का क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, तो ये इतने में बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन को पूछे, लेकिन 12 घंटे में दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कितनी बार होंगी, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में, मतलब इन स्ट्रेट लाइन कितनी बार होंगी, तो ध्यान रखें स्ट्रेट लाइन का केस 2 में बनेगा, एक 0 डिग्री में भी बनेगा और एक 180 डिग्री में, बात समझ।
जीरो डिग्री भी 12 घंटे में 11 बार बनेगा और ये भी 11 बार बनेगा, तो टोटल कितनी बार बन जाएगा? 22। बात समझ रहे? ऐसे हम अगर पूछ लेते कि 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो आप कहते 22 बार। पूछ देते 60 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, आप कहते 22 बार। 75 डिग्री कितनी बार बनेगा, 22 बार। 45 डिग्री कितनी बार बनेगा, 22 बार। मतलब शेष सभी एंगल्स कितनी बार बन जाते हैं 12 घंटे में, 22 बार। और केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 11 बार। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस आपके सभी निकल जाएंगे। एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन और बचा है, वो और हम करा दें, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया हो, ये हम बताएं आपको, सी सेट में पूछा गया है। जैसे कहते हैं कि कोई घड़ी इस सोमवार को दो सुबह 8:02 पीछे है और अगले सोमवार वही घड़ी 4:48 आगे है, ब्रैकेट में लिखा है सुबह 8:00। तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें यह देखा जाता है कि घड़ी ने कितना टाइम गेन कर लिया। तो आप खुद समझिए कि 8:00 अगर हम देखें, दो हमारे पास हैं, एक मंडे यहां पर है और 8:00 ही मंडे तक का हमें सफर तय करना है, है ना। यहां 2 मिनट पीछे थी, क्या है, पीछे, और यहां अगर हम देखें तो 4:48 क्या हो गई है, आगे। तो अगर हम गेनिंग टाइम देखें कि कितना टाइम उसने गेन कर लिया है, तो आप कहोगे 6:48। भाई 2 मिनट पीछे वाला और 4 आगे निकल गए, यही तो है। लेकिन अब ये देखना होता है कि कितने घंटे में गेन किया इस सोमवार से उस सोमवार 8:00 तक, तो कितने दिन हो गए, 7 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक, तो 24 के हिसाब से हम देखेंगे 168 घंटे हो जाएगा या नहीं। तो यानी 168 घंटे में उस घड़ी द्वारा 6:48 का टाइम क्या कर लिया जाता है, गेन कर लिया। तो 1 सेकंड का अगर हम देखें, हम इसे सभी को पूरे सेकंड में बदल देते, तो 1 सेकंड का टाइम कितने में गेन किया जाएगा, आप कहोगे 168 बटे, इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 और 48 जोड़ेंगे, 360 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 408। यानी 408 हम याद कर सकते हैं। और 2 मिनट ही हमें सही समय दिखाने के लिए 2 मिनट ही तो गेन कराना है, 2 ही मिनट तो पीछे थी, यानी 120 सेकंड कितने समय में गेन करेगी, अगर हम ये निकालना है तो 168/408 × 120 इसे कैलकुलेट करोगे, जो आए उसे सोमवार से टाइम ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करिए।
इसे किया किसी ने कैलकुलेट? देखिए कितना आ रहा है, रफ कर दें ऊपर। जो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे वो लोग देख लें, 168/408 × 120, यही तो है। 4 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, 0 3 8 24, 6 18 और 2 20, और 3 1 3 और कितना आ जाएगा, अपान में 10, तो इसे इसे डिवाइड कर लीजिए, जो जितने आवर्स आ जाएं वो ऐड कर दो उसमें। 6 मिनट है, सेकंड में बदलना है, क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आगे कर लीजिएगा कैलकुलेट, ठीक। इतने ही टाइप इसमें बनते हैं, आपका क्लॉक नाम का चैप्टर जो होगा वो फिनिश होगा, ठीक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही।